के हिंदू कन्या महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह पर पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति में काफी बदलाव करने होंगे, क्योंकि जो शिक्षा दी जा रही है उसमें केवल नौकर बनना सिखाया जा रहा है, न कि मालिक। हिंदू कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को डिग्री प्रदान करते हुए कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा है कि गुलामी के समय में अंग्रेजों ने जो शिक्षा सिखाई थी आज भी वही पद्धति अपनाई जा रही है, जिसके कारण छात्र स्वरोजगार या उद्योग लगाने की बजाय केवल नौकरी करना पसंद करते हैं। अपने बयानों के लिए बेबाक माने जाने वाले कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा भी प्रेम मनुष्य को आगे बढ़ने काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिन भी वैज्ञानिकों ने बिजली बल्ब रोल जहाज के आविष्कार किए हैं उन्होंने अपने काम में प्रति प्यार किया था। उन्होंने छात्राओं को संबोधित किया कि वह अपना प्यार नई खोज में लगाएं और किसी लल्लू के लड़के के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। और बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही एडीए के पदों की भर्ती को पूरी कर दी जाएगी। जाट आरक्षण मामलों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में चल रहे समझौते पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जिसने गाड़ी बनाई उसका प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? रोमियो जूलियट का प्रेम करिए लेकिन कहां करिए? प्रेम की वो सच्चाई है, बिना चाव बिना प्रेम के दुनिया में काम नहीं होते हैं। लेकिन उस ऊर्जा को कहां लगाना? किसी लल्लू से लड़के के पीछे मन लगा देना? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे ज्यादा परिवर्तन दुनिया में इसी से होते हैं। आप सबसे पहला संकल्प ये ले कि मैं नौकर बनने का सपना नहीं देखूंगी, मैं मालिक बनने का सपना देखूंगी, मैं इस प्रदेश के देश की मालिक। ये नौकर बनने का सपना हमको अंग्रेजों ने देखना सिखाया था, वो खुद मालिक बन के बैठ गए। इसमें आपका दोष नहीं, आपको सिखाया नहीं गया। जैसे VLDA के भर दिए, VS के भर दिए, ऐसे ADA के भी जल्दी भर देंगे। सर आंदोलन शुरू हुआ, सरकार ने कहा था कि चंदा खोर है तो धरने में बैठे हैं, इसे समझौता कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने कहा था कि चंदा खोर। सर जी नहीं बोलेंगे। चलो, आगरा टीवी न्यूज के लिए ऋषि मोहन पेटा की रिपोर्ट।